सरकार को ये प्रावधान करना चाहिए कि लड़कियों को लाइब्रेरी, इंस्टीट्यूट, कोचिंग, इनमें ऐसे अच्छी सुविधा मिले ताकि वो किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर सके और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से आगे भी चालू रख सके और अपने पैरों पे खड़ी हो सके, इसके काबिल हो सके कि ताकि वो भी कुछ कर सके लाइफ में। और सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो सरकार आम बजट पेश कर रही है उसमें बजट का थोड़ा सा हिस्सा हमें स्टूडेंट्स को वैकेंसीज पे भी देना चाहिए। वैकेंसीज वो निकाल ही नहीं रही, और कोरोना के बाद तो बिल्कुल भी वैकेंसीज नहीं है। हम पढ़ रहे हैं लेकिन किस बिहाव पे पढ़े हमें समझ ही नहीं आता। स्पेशली हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारा जो रसोई का बजट जो है कि काफ़ी हद तक लाइन पे आए, क्योंकि सब्जियां जो है इन दिनों में मिडिल क्लास टाइप इंसान भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा। तो सोचिए कि इसके आगे तो हम रसोई घर से आगे तो हम सोच ही नहीं सकते। इससे आगे हम क्या अपने विकास के लिए हम कुछ सोचें, क्योंकि पहले तो हमारे लिए ही रोटी कपड़ा और मकान। अगर यही चीज़ें बजट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम कर दी जाए, सस्ती कर दी जाए थोड़ी, तो आगे हमें विकास करने के काफ़ी अवसर मिल सकते हैं।
समाज अंत में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं उम्मीदों का बजट। कैसा हो बजट 2021-22? यह बजट थोड़ा सा डिफरेंट बजट होगा। वजह साफ है कि आप और हम, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया इस दौर से गुजर चुकी है। मैं बात कर रहा हूं कोविड की। कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया को अपनी जद में जकड़ा और उसके इफेक्ट्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कोविड के चपेट में आए हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो निश्चित रूप से बजट पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है और हम उसी को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन उम्मीदें हैं सबको। उम्मीद किस तरह की उम्मीद है, क्या सरकार से अपेक्षाएं की जाती हैं कि कैसा बजट हो? क्योंकि हर वर्ग, सरकार खुद मान चुकी है इस बात को कि हर वर्ग कोरोना से जूझ रहा था और यही वजह है कि हमारी इकोनॉमी पे भी इसका असर पड़ा है, एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ा है। जिनके जो काम थे वो काफी चौपट हुए हैं। और लेकिन अब हो क्या सकता है, प्रीटॉक्स गवर्नमेंट करती हैं लेकिन हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। ओपन साइट्स भी रखते हैं कि आप अपने सुझाव इसमें भेज सकते हैं। खैर, लेकिन मैं हमारे जो गेस्ट इस वक्त अलग अलग जगह से जुड़े हैं उनसे मुखातिब हूंगा। हमारे साथ रुक्मणी कुमारी सिंह जी जुड़ी हुई हैं, जो लंबे समय से बजट को काफी अपने नजरिए से देखती हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर करती हैं। हमारे साथ चेन्नई से वर्का शाह जी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ अलका बत्रा जी हैं, जो फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। और डॉक्टर सारिका गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो दोहरी भूमिका में हैं, डॉक्टर भी हैं, एक चिकित्सक हैं और साथ में किसान परिवार से हैं, जो जैसे मेरी उनसे बात हुई कि अभी भी हम पूरी तरह से, जैसे हॉस्पिटल पे मैं फोकस करती हूं, वैसे ही मेरी खेती पे भी फोकस करती हूं। तो चले, हमारे साथ कुछ जाने माने गेस्ट जुड़े हैं। दीप्ति सिंह जी हमारे साथ झारखंड से जुड़ी हुई हैं। सुपर्णा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं झारखंड से। और मिनल गिहा हमारे साथ जयपुर से जुड़ रही हैं, टैक्स एडवाइजर हैं। सभी का स्वागत है। रुक्मणी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा सबसे पहले। मैं एक, लेकिन उससे पहले निर्मला सीतारमण जी के उस बजट की आपको याद दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था अपने वतन को लेकर के। मैं वो पंक्तियां जरूर मैं यहां दोहराना चाहूंगा। हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन खिलते हुए शालीमार बाग जैसा, हमारा वतन झील डल झील में खिलते कमल जैसा, नौजवान के गर्म खून जैसा, मेरा वतन, तेरा वतन, हमारा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। और इसी के साथ हम आपकी जो इस बजट से अपेक्षा है वो जानना चाहेंगे। जी रुक्मणी जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। आज क्योंकि हम बजट की बात कर रहे हैं और आपने महिलाओं की बात कही है, तो आपने सीतारमन जी के बारे में कहा। सीतारमन जी ने जो भी बजट में जो भी राशि निर्धारित कही महिला सेफ्टी के लिए या महिलाओं के लिए, मुझे लगता है जुलाई, मुझे क्या, आप आंकड़े अगर देखते हैं तो जुलाई के बाद एक भी रुपया हमारी महिलाओं के लिए खर्च नहीं हुआ। सीतारमण जी की बात एक मैं कहती हूँ, सीतारमण जी ने कहा था कि अगले वित्त वर्ष में शिक्षा के लिए 99.300 करोड़ रुपए और कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ रुपए आवंटन हुए हैं। सरकार ने जुलाई में 2020 के बाद किसी भी तरह एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। आप महिलाओं के बारे में अगर आप देखते हैं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और उस समय लगभग 1,000 करोड़ रुपए आवंटन किए गए थे, उसमें 2014, 15, 16, 17, 18, 19 में भी 1,000 करोड़ रुपए इस फंड में डाले। बता दें कि इस फंड के जरिए पूरे देश में रेप पीड़ितों के लिए 600 से अधिक सेंटर बने थे, जहां पर पीड़िताओं को कानून और आर्थिक मदद मुहैया करी गई। आप अगर देखते हैं तो महाराष्ट्र, दीव दमन, ऐसे त्रिपुरा, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है महिलाओं के लिए। आप बताइए, ये आंकड़े जो सीतारमण जी कह रही हैं, जो उन्होंने आवंटन किए, उसमें से कितना खर्च किया गया? अगर हम गुजरात की बात करें, बीच में आपको टोकूंगी कि निर्भया फंड के तहत 70,000 करोड़ रुपए में से 1.18 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप बताइए, गुजरात की, जहां से हमारे प्रधानमंत्री आते हैं,
वहां पे भी इस तरह का खर्च हुआ है। आप बताइए महिला सुरक्षा के लिए कितना खर्च ये सरकार कर पा रही है। तो आंकड़े बहुत सारे हैं हमारे सामने। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, पश्चिम बंगाल में भी काफी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जो निर्भया फंड है जो अलॉट किया गया है पर उसका उपयोग नहीं किया गया। जी बिल्कुल। तो सरकार इस पे फोकस रखे, सरकार पूछे सवाल। हमको सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि जो फंड निर्धारित आवंटन किए जाते हैं वो खर्च क्यों नहीं करते। बिल्कुल, बड़ी बड़ी स्कीमें लेके आना और उसको इंप्लाई करना अलग अलग चीजें। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। कहना है कि स्कीमें आती हैं पर उसको कितना इंप्लाई करते हैं और कितनी उसका हम उपयोग ले पाते हैं हमारी महिला सुरक्षा के लिए। मैं सोचती हूँ अगर हमारी आम महिला जो रोजमर्रा अपने घर से निकल रही है उनकी सुरक्षा के लिए जो पैसे आवंटन किए गए वो कितना उपयोग। मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह का कोई रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि जिस तरह से आंकड़े सरकार दिखा रही है वो बिल्कुल गलत है। जी रुक्मणी जी, आप सही फरमा रही हैं। और ये बात अक्सर आती है, हर विश्लेषक यह बात कहता है कि आंकड़ों का माया जाल है, पैसा आएगा कहां से, इसकी रूपरेखा तय की जानी चाहिए। लेकिन हम उम्मीदों की बात कर रहे हैं क्योंकि ये कोविड के तो ये सब जो आंकड़े खराब हुए वो डिमोनेटाइजेशन के बाद आप देखिए सब कुछ गड़बड़ा गया है। जी मैं लौट रहा हूं आपके पास में, मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं एक बार, आपने विमेन सिक्योरिटी की बात की है, महिलाओं की सुरक्षा, अगर आजादी के इतने साल बाद भी अगर कोई बच्ची कोई महिला एसी क्लास के कंपार्टमेंट में बैठ के जाती हो या फिर अपने छोटे रूट की बस में बैठ के जाती हो और अगर पेरेंट्स के या उनके परिचितों के दिल धक-धक सिर्फ महिला सुरक्षा को लेकर करें तो मुझे लगता है कि हम किस विकास के पथ की बात कर रहे हैं। प्यारा वतन मेरा वतन कहने बहुत अच्छा लगता है लेकिन वास्तव में धरातल की उन ग्राउंड रियलिटी से हमें मुखातिब होना होगा जो लोग हम उम्मीद करते हैं अपेक्षा करते हैं। मैं बरखा जी आपके पास आना चाहूंगा, बरखा साहब हमारे साथ चेन्नई से जुड़ी हुई है। बरखा जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। यहाँ एक सवाल उठता है कि महिला सुरक्षा के, जैसे रुक्मणी जी ने कहा कि निर्भया फंड अलोकेट किया हुआ है और कब से किया हुआ है, कोई राज्य उसको पूरा पैसा नहीं काम ले पाता है और लैप्स हो जाता है या उसमें पड़ा रहता है, हाथ कोई नहीं रोकता है। ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें तो क्या स्थिति है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और हम क्या उम्मीद करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगी एंड थैंक यू योगेंद्र सर। मैं रुक्मणी जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। उन्होंने जो भी पॉइंट्स बोले हैं टू द पॉइंट बोले हैं सारी बातें। और आप बजट की बात कर रहे हो, बजट तो अभी आएगा, उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप बजट निर्धारित करते हो ठीक है ना, तो उसमें आप ये सब सारी सुविधाएं तो हम मानते हैं कि सेफ्टी जो बस के लिए सब चीजें हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले औरतों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। मेरा एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, जैसे अगर कोई लेडी वीडो हो जाती है ठीक है, तो उसके हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसका ट्रांसफर करने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए कुछ किया जाए। अगर उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना होता है तो उसके इतने चार्जेस होते हैं कि वो लेडी घूमती रह जाती है, उसे अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी भी नहीं मिलती। अगर उसकी विल में लिखा हुआ है कि क्या लोगों का और नाम दिया हुआ है तो मैं मानती हूँ कि उस लेडी को ठीक है थोड़ी मुसीबत होना तक पड़ेगा, लेकिन क्लियरली जब उसके अपनी वाइफ के नाम अपनी प्रॉपर्टी की है तो उसके नाम वो ट्रांसफर होने में टाइम क्यों लगता है, उसके लिए एक बड़े अमाउंट की मांग क्यों की जाती है, ये चीजें बंद होनी चाहिए। वो डायरेक्ट उसके वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी चाहिए या फिर एक मिनिमम अमाउंट पूछना चाहिए जो कि वो लेडी दे सके। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में, बरखा जी आप बनी रहिए हमारे साथ में, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। हमारे साथ डॉक्टर सारिका जुड़ी हुई है गुरुग्राम से, एक बार उनके पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर सारिका आपके पास आना चाहूंगा मैं। सबसे पहले तो हेल्थ की जिक्र करना चाहूंगा, यहाँ जरूरी है। मेरा नाम मैं गुड़गांव से हूँ और मैं आपसे बजट ये सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ। मेरी यही बात है, हम लोग जो है इंडिया वर्ल्ड में सबसे कम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं हेल्थ पे। वी स्पेंड 1.6% ऑफ आवर जीडीपी ऑन हेल्थ एंड दिस इज शेमफुल। स्पेशली कोविड ने हमें बताया है कि हेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता।
अगर हेल्थ इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है तो सरकार को बजट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हेल्थ पे देनी चाहिए। जिस समय रोड में सब कुछ रुक गया, ट्रैफिक रुक गया, एयरप्लेन रुक गए, ट्रेन रुक गए, सिर्फ एक चीज चल रही थी, वो थे हॉस्पिटल, और आपको समझ आया कि आपकी जान कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस दौरान में अगर आप 1.6% जीडीपी शर्मनाक बात है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हर जगह प्राइवेट हॉस्पिटल मोर्चा संभाला है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो सिर्फ दे केटर टू ओनली 40% ऑफ द हेल्थ केयर अक्रॉस इंडिया। तो प्राइवेट हॉस्पिटल केटर टू 60% ऑफ द हेल्थ केयर, जो सबके बजट में नहीं समाते हैं। हम मोर देन 70% पीपल लिव इन द लोअर इनकम ग्रुप्स, और वो अगर उनको कोई भी छोटी सी बीमारी हो जाती है, 5-6 लाख का खर्चा कोई अपनी जेब से नहीं कर पाता है, वो डेट में चला जाता है। उसी की वजह से किसानों के सुइसाइड होते हैं, उसी की वजह से जो लोअर इनकम ग्रुप्स है उसमें डेट और ये सुइसाइड बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मेरा रिक्वेस्ट है निर्मला सीतारमन जी से कि मैंने पेटिशन साइन स्टार्ट किया था जिसमें दो लोगों ने साइन किया है। इस पेटिशन को मैं आपके जरिए शेयर कर रही हूँ। 10 फॉर हेल्थ, that we are asking for 10% of the GDP on healthcare so that Indian healthcare can become at par with the rest of the world. मुझे पता है 70 साल में बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ, पिछली बार भी 56,000 करोड़ खाली हेल्थ पे किए गए थे। टू गिव यू परस्पेक्टिव, 1,56,000 बजट था, और तो इमेजिन करिए कि हम अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में इतना पैसा खर्चना चाहते हैं, लेकिन एक हर एक इंडियन के हेल्थ पे 511 रुपए पर ईयर हमारी सरकार नियोजित करती है। यू सी द डिस्पैरिटी इन हेल्थ केयर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम चाहते हैं कि जो छोटे से छोटे गांव और शहर में, जो छोटे शहरों में भी रहता है, वहां पे भी अच्छा गवर्नमेंट हेल्थ केयर होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, और यही एक बड़ी वजह है कि आज भी हम बेशक ये बात कहते हो कि हमने मृत्यु दर में काफी कमी की है, चाहे शिशु मृत्यु दर हो या फिर मातृ शिशु मृत्यु दर की जो बात की जाती है उसमें, लेकिन अभी भी हमें बहुत सारी चुनौतियां हेल्थ को लेकर के जिस पे फोकस सरकार को करना चाहिए। और आई थिंक केवल पब्लिक नहीं है, सरकार ने इस बात से सबक लिया होगा कि हम उसने काम चला रहे हैं, आयुष्मान भारत प्लानिंग भी की है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसकी मॉनिटरिंग जो है उस पर मुझे लगता है कि काफी जरूरत है हमें फोकस। चलिए, रांची से दीप्ति सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति जी, स्वागत है आपका। मैं एक बात जानना चाहूंगा, काफी आपने काम किया है आदिवासी बेल्ट में भी, हम अर्बन बेल्ट की सोचते हैं, रूरल की अगर बात करें तो वास्तव में थोड़ा डिफरेंट होता है बजट एलोकेशन में भी, और लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती है या उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है उसमें भी। आप इस बजट से किस तरह की उम्मीद करते हैं अगर हम बात करें ग्रामीण भारत को लेकर के, आदिवासी लोगों को लेकर के? जिस तरीके से कई सालों से आदिवासी महिलाओं के लिए काम करती रही हूँ, और जो साधारण परिवार से आती हैं या नॉर्मल दो लेवल की महिलाएं हैं उनके लिए भी मैंने काम किया है, पर जो मुझे आज लग रहा है कि हमारे देश में इतने 70-72 साल के जो आजादी के समय के बावजूद इतने वो बदलाव नहीं आए हैं, क्योंकि हमारे सोचने का जो तरीका है, फ्रेमवर्क जो है, वो बहुत ही ज्यादा कन्वेंशनल है। हम लोग नए सिरे से नहीं सोच पा रहे हैं। अगर हम दूसरे देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो वहाँ एक सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज होती है। अगर हम ग्रामीण महिलाओं की बात करते हैं या वैसे आदिवासी महिलाओं की बात करते हैं, अभी मैं सिर्फ महिलाओं पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपने ये सवाल महिलाओं से बेस्ड किया है, तो मेरा ये मानना है कि इनको क्यों ना सोशल सिक्योरिटी की तरफ लेकर जाएं। ये महिलाएं बहुत प्रताड़ित होती हैं हर हाल में, फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली। अगर इनको हम इतने इस तरीके से सक्षम बना दें सरकार की तरफ से, वो महिलाएं या तो वो प्रताड़ित हो, छोड़ी हुई हो, डिवोर्सी हो या विधवा हो, ऐसी महिलाओं के ऊपर अगर फोकस किया जाए और अगर सरकार के बजट में इनके लिए थोड़ा भी ध्यान दिया जाए, तो हमारे देश का जो स्वरूप है बहुत ही अलग तरीके से निखर कर आएगा। और इन महिलाओं, मैं एक बात तो कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, नारी तू नारायणी, कहने से काम चल सकता है? कहने से कैसे काम चलेगा, एग्जीक्यूशन चाहिए ना। नारायणी मानेंगे तब ना, मानते कहाँ है। आज हर एक स्टेट में देखिए कि रेप के केसेस कितने बढ़ गए, निर्भया के हमारे इतने सारे इसके ऊपर रिपोर्ट्स आ गए, इसके ऊपर इतने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, पर कहाँ किसी की स्थिति सुधरी है। अब तो हर पल हर सेकेंड एक 3 औरतें हमारे यहाँ 376 का रिपोर्ट लेकर किसी ना किसी पुलिस स्टेशन में बैठी होती है, लेकिन हालात क्या है, आज बद से बदतर होते जा रहे हैं।
हालात को सुधारने के लिए, औरतों को सक्षम बनाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए यूनियन बजट के अंदर एक बजट इतना जरूर होना चाहिए जहां महिलाओं को सोशल सिक्योरिटी दिया जाए, जहां उसको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो, वो मार खाती है, उनके उनको प्रताड़ित करते हैं, फिर भी वो उसी घर में बनी रहती है, तो थोड़ा सिक्योर रहेंगी तो अपनी स्थिति सुधार पाएंगी। योगेंद्र जी, एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूं, जो बोला कि औरतों पे जो अत्याचार कम होते हैं, सब बोलना है, लेकिन आप जानते हैं इंडिया में काउ को अगर चोट लग जाए तो लोग डर जाते हैं, गाय को अगर चोट लग जाए तो डर जाते हैं, और औरत को मारने में, पीटने में, रेप करने में किसी को थोड़ा भी डर नहीं है। ये कितनी शर्म की बात है। पॉपुलेशन इज अंडर स्ट्रेस, और एक आईना भी है। मैं एक चीज ऐड करना चाहती हूँ कि एक कैंपेन शुरू किया था, एक कैंपेन शुरू है रही आप जन टीवी के साथ जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उम्मीदों का बजट और हम चर्चा कर रहे हैं आधी आबादी मातृशक्ति। बहुत बार आपने सुना होगा हम, लेकिन सीधी बात कर रहे हैं कि बजट में मुल्क की छात्राएं हैं, महिलाएं, आम महिलाएं, इनको क्या उम्मीद है, क्या अपेक्षाएं हैं, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। आप हमारे पैनल के साथ अलग अलग जगह से हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं एक बार रुक करना चाहूंगा जयपुर एक बार फिर मीनल गिया का, जो टैक्स एडवाइजर है। मीनल, मुझे एक बजट में, जैसे अभी रुक्मणी जी ने भी कुछ देर पहले कहा, दीप्ति जी ने भी कहा कि केवल स्लोगन से काम नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं एक अच्छे से एक टाइटल का यहाँ याद दिलाना चाहूंगा आपको, आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं इस पे टैक्स पे। निर्मला जी ने कहा था कि सूर्य उपवास पे लेता है और उसी से हमें ऊर्जा देता है, और राजा का भी जिक्र किया था कि वो कर लेते हैं तो जनहित में खर्च करते हैं, लेकिन बात सरकार के कर संग्रह की है यहाँ पे। आपको ध्यान होगा कि उसमें ये भी कहा था कि नया कर और पुराना कर आपके चॉइस पे दिया हुआ है, आपको इस तरह से फ्लेक्सिबल बनाइए और आप इसमें बेनिफिट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं बात केवल महिलाओं के फोकस की करना चाहूंगा। आम महिला जिस वो समझना चाहती है सीधी भाषा में कि मैं जो मैं कमाई करती हूँ उसमें से कैसे मेरा घर का खर्च चला सकती हूँ, मेरी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकती हूँ, और अगर नहीं कर पा रही हूँ तो सरकार मेरे लिए क्या करे। जी नमस्कार सभी को। जैसा कि आपने बताया अभी, जैसा कि हमने इस पैंडेमिक में देखा कि जो होम ग्रोन बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, वो काफी आए हैं और उसके अंदर वुमेन का काफी बड़ा हाथ रहा है, तो उसके अंदर जो इनकम टैक्स है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अंदर हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि वुमेन के लिए इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं उनको रिड्यूस करा जाए। जैसे एग्जेम्पशन स्लैब होता है, तो एग्जेम्पशन स्लैब नॉर्मली 2.5 लाख का होता है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वुमेन के लिए उस स्लैब को बढ़ाया जाए, जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए चीजें यूज करें। जो डेप्रिसिएशन रेट प्रोवाइड करते हैं उनमें चेंजेस लाए जाए, उसमें हमें थोड़ा सुधार दिया जाए। वैसे ही वर्किंग वुमेन जो होती है, जब वो बैंक लोन्स के लिए अप्लाई करने जाती है तो उसके अंदर उन्हें कंसेशनल रेट्स प्रोवाइड होनी चाहिए, जो रेट नॉर्मल मार्केट में मिलती है उससे बेटर रेट्स मिलनी चाहिए, जिससे हम वुमेन को भी एक मौका मिले कि हम आगे बढ़ सके, उन लोगों को ऐसा लगे कि वो कुछ कर सकती हैं। कोलैटरल फ्री लोन्स होने चाहिए, जैसे कि भी बात हुई थी कि जो विडोज होती है उन लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, कंप्लाइंसेस के बहुत इश्यूज होते हैं। सो इन केसेस में जब वो विडो या कोई भी औरत अपना काम शुरू करना चाहती है तो उनके लिए कोलैटरल फ्री लोन्स की स्कीम शुरू करनी चाहिए कि वो इजीली जाए, अपने आप को आगे बढ़ सके, उन्हें किसी पे भी डिपेंडेंट ना होना पड़े। आज एक बेसिक कंप्लाइंस है, हमें रजिस्ट्रेशन फाइल करने होते हैं, तो जो भी अगर आपको एक होटल भी शुरू करना है तो उसके लिए भी कम से कम 10 प्रकार के रजिस्ट्रेशन होते हैं। वो भी 10 प्रकार के रजिस्ट्रेशन के अगर हम
थोड़ी थोड़ी भी फी मांगे तो एक वेमेन के लिए वो बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके अंदर उन्हें कोई बेनिफिट दिया जाए, उनके लिए करा जाए कि भाई आप कोई भी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो आप कोई स्कीम निकाले जिसके अंदर 3 साल के लिए या एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री कर ले जाए, उसके लिए नॉमिनल फी आप चार्ज करी जाए। जब तक ये कंप्लायंस रिलैक्सेशन नहीं होंगे, जब तक इनकम टैक्स स्लैब जो है उनको विमेन को इंक्रीज नहीं करा जाता, वो आगे बढ़ने के लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगी। दूसरी चीज, जैसे कि हमने देखा कि एक कोविड के कारण यहाँ पे अपन की इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन आया, देयर वर सो मेनी विमेन जो है ना होम ग्रोन ब्रांड्स लेकर आई, किचन के जो रेसिपीज होती थी वो अपने इंस्टाग्राम के थ्रू अपने फेसबुक के थ्रू उन्होंने लोगों को बेचना शुरू करा। तो ये सरकार से है उम्मीद कि भाई आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखें, आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में देखें कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है और उसके अंदर वुमेन को एजुकेट करने में, उनको स्किल्स देने में, उनको बताया जाए, उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स रखी जाए कि एक इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे अपना हो बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, उनको उसके अंदर जो है जो स्किल के लिए उनको एजुकेशन दे, उनको आगे बढ़ने के लिए काफी मौका देना चाहिए। ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो है इसको मेरे ख्याल से अगर वो आगे बढ़वाएंगे उससे अगर सरकार को एक बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए और ये भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इस स्किल्स के स्किल में अच्छे से ट्रेन हो सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, और निश्चित रूप से आपदा में अवसर की बात कही जा रही है और इसका जीता जाता है उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो हमारे साथ राजस्थान के बाड़मेर, जो मुझे लगता है कि डेजर्ट के लिए काफी अपनी एक अलग पहचान रखता है विश्व मानचित्र में भी, मैं उनको आपसे मिलवाऊंगा कि वो उन्होंने कैसे आपदा को अवसर में तब्दील किया है। लेकिन उससे पहले फिट इंडिया हिट इंडिया, दीपिका पालीवाल लालवानी जी हमारे साथ में जुड़ी है मुंबई से। दीपिका जी, स्टार्टअप की बात की जा रही है, कोई भी स्टार्टअप को शुरू कर सकता है, नाम ही ऐसा है, टाइटल ही ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा ही है, तो फिट इंडिया हिट इंडिया में कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार से? जी दीपिका जी, आप सुन पा रही है मुझे? हाँ, मैं स्टार्ट हो गया। जी दीपिका जी, चलिए मैं दीपिका जी के पास आना चाहूंगा, दीपिका जी की आवाज। दीपिका जी आप सुन पा रही हैं मुझे? जी आपके यहाँ पे कोई नेटवर्क इश्यू है तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आप बने रहिए आप मेरे साथ में, मैं जैसे ही आप कनेक्ट होती हैं तो मैं वापस आपसे क्वेश्चन लेता हूँ। मैं रुक्मणी जी का रुख करना चाहूंगा एक बार। रुक्मणी जी, बजट इंतजार बहुत होता है लोगों को, लेकिन पिछले कुछ सालों से लोग ये कहते हैं दबी जुबान में और ओपन भी कहते हैं कि बजट का कोई महत्व रह गया है। कभी भी कुछ भी सरकारें बीच में अनाउंसमेंट कर देती हैं, किसी को रिड्यूस कर देती हैं, कभी भी कुछ जंप कर देती हैं। और एक फ्यूल को लेकर के मैं जरूर जानना चाहूंगा, कुछ दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको हम जोड़ नहीं सकते सबको, लेकिन वो अपने विचार यहाँ पे जानना चाहते हैं कि हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनसे जरा पूछे कि फ्यूल को लेकर के क्या कहना है। स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट है हमारी, तो इस बजट में कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ पूरी महंगाई पे राहत दे सके, क्योंकि कोरोना से सब लोग निकले, इससे क्या कहना है आपका, क्योंकि महंगाई से हर व्यक्ति हर तबका जरूर त्रस्त है। जी रुक्मणी जी, मैं आपको कहना चाहती हूँ, कैन यू हियर मी? जी यस श्योर। ओके, अगर हम फ्यूल की प्राइस की बात करें तो इंडिया में जितना फ्यूल रेट है मुझे लगता है कि कहीं भी नहीं है। तो ये हमारे जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी का की बात है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये निवेदन करती हूं कि इस बार एटलीस्ट, क्योंकि क्रूड ऑयल के क्या रेट्स हैं आप सबके सामने हैं, फिर भी इंडिया के अंदर हमारे देश में सब जगह फ्यूल के प्राइसेस बहुत ही ज्यादा हैं और ये हमारे सभी लोगों को, मैं आपको फैक्ट्रीज ले या मिडिल क्लास ले, हमारी महिलाएं, सबके लिए
पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ना उनके लिए उनकी पॉकेट पे मार है। तो इस तरह केंद्र सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए कि पेट्रोल डीजल के भाव कैसे कम कर सकती हैं, जिस तरह से इनको फायदा हो। आपने थोड़ी देर पहले मुझे कुछ आंकड़े हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं, माफ करिएगा कि जब हम बहुत सारी पॉलिसीज की बात करते हैं, एक केंद्र सरकार एक पॉलिसी लेके आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें से 56% पैसा सिर्फ मीडिया पे यूज हुआ है, एक भी पैसा हमारी बच्चियों पे उपयोग में यूज में नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सिर्फ मीडिया और इसको आवाज आ रही है आपकी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए बोलिए रुक्मिणी जी, कंटिन्यू करिए आप। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इस तरह का सिर्फ मीडिया बाजी हो रही है, ग्राउंड लेवल पे मुझे नहीं लगता है कि हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक फेल स्कीम है। तो केंद्र सरकार से निवेदन है कि जो भी स्कीम्स वो लेके आए वो मायने में ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली स्कीम्स होनी चाहिए, ये नहीं कि टीवी या आपने ज्ञापन दे दिया या अखबारों में छपा दिया। अगर हमारी बहन बेटियों के लिए आप स्कीम्स लेके आते हैं तो काम भी होना चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सारी स्कीम इसलिए फेल होती है कि अगर हमारी जो पॉलिटिकल विल है वो कम है, क्योंकि हमारे एमएलए और हमारे पार्लियामेंट में जो महिलाएं हैं वो कम नंबर पे हैं। तो मैं सभी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप पॉलिटिकल विल रखिए और कोशिश करिए कि ऐसे प्लेटफॉर्म हो जहां आप अपनी बात रख सके और विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुंच सके। जिस तरह से ज्यादा महिलाएं आएंगी तभी काम हो पाएगा, मुझे लगता है। रुक्मिणी जी वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं एक बार मैं मुंबई दीपिका लालवानी जी का रुख करना चाहूंगा। दीपिका जी आप सुन पा रही है मुझे? हाँ मैं आपको सुन पा रही हूँ, आपको आ रही है मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं जानना चाहूंगा फिट इंडिया हिट इंडिया स्लोगन रहा और सरकार का कहना भी यही है कि स्टार्टअप्स के जरिए जो जिस सेक्टर में जिस फील्ड में काम करना चाहता है वो कर सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं महिलाओं के लिए फिट इंडिया में, कहीं कुछ गुंजाइश है कि सरकार इस ओर भी ध्यान दे? मुझे लगता है कि बहुत गुंजाइश है, थोड़ी मोड़ी नहीं। हमारी कंट्री में अभी फिटनेस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही बूम पर है और आगे जाने वाले सालों में और भी बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं अपने आसपास में देखती हूँ लोगों में जागरूकता बढ़ रही है अपने शरीर की फिटनेस को लेके। लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारी जिम इंडस्ट्री है फॉर एग्जांपल वो बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो एक तो पहला स्टेप मेरे ख्याल से सरकार को ऐसा लेना चाहिए कि जिम इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करें, मिनिमल वेजेस कम से कम तय करें, क्योंकि कोई ट्रेनर है बेचारा जिसको पूरे महीने के लिए काम करने के बाद जिम में 3,000 रुपए सैलरी मिलती है, तो मेरे ख्याल से बहुत गलत बात है। तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, मुझे लगता है कि सरकार को कोर्सेज लेके आने चाहिए, सर्टिफिकेशंस जो अभी सिर्फ योगा में है, बाकी अगर हम देखें तो फिजिकल ट्रेनिंग में कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है जो सर्टिफाई करती है, बहुत सारी प्राइवेट एजेंसीज हैं। तो प्राइवेट एजेंसीज की थोड़ी सी क्रेडेंशियल क्या है, कितना अच्छा उन्होंने सर्टिफिकेशन कराया ये हमको नहीं पता, बट यही अगर सरकार शुरू करे जैसे अमेरिका में ACSM है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ व्हाटएवर, तो इस किस्म का कुछ अगर हम इंडिया में लेकर आए जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और जो कोर्स वेयर है उसमें फिटनेस के साथ साथ थोड़ा मसल एनाटॉमी के बारे में भी पढ़ाया जाए ट्रेनर्स को, और जब वो वहां से निकले उन्हें डायरेक्ट रिक्रूट किया जाए, उनको अच्छी सैलरीज मिले, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज हो जाएगी। इससे अर्निंग और फिटनेस इंडस्ट्री इतनी बड़ी है योगेंद्र जी, आप अगर अपने पास देखें तो आजकल हर गली में जिम है, मतलब बॉम्बे जैसे शहर में जहां जगह नहीं है वहां पर भी हम देखें तो मेरे घर से आप बाहर निकलेंगे सड़क पे पार्किंग की जगह नहीं लेकिन जिम है। तो इतने जिम को अगर हम स्टैंडर्डाइज कर दें तो वहां से बहुत से लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और एक दूसरी चीज ये कर सकते हैं कि हम औरतों को इसमें आने के लिए ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, मतलब कई बार मैं जब अपनी पर्सनल ट्रेनिंग्स करा रही होती हूँ तो मैं देखती हूँ कि आसपास बाकी सारे मेल ट्रेनर्स हैं,
तो इस इंडस्ट्री में अभी भी इतना मेल डोमिनेशन है, लोगों को लगता है कि नहीं अगर फीमेल ट्रेनर है तो उसे योगा या पिलाटेस जैसा कुछ कराना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, मतलब क्यों एक फीमेल ट्रेनर आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करा सकती, क्यों आप उसके साथ वजन उठाना नहीं सीख सकते, ये बायस क्यों है? तो ये बायस तभी खत्म होगा जब सरकार इसमें इंटरवीन करेगी, कोर्सेज ऐसे आएंगे जिसमें लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ रहे हैं इन चीजों के बारे में और डायरेक्टली अपने कॉलेज से रिक्रूट हो रहे हैं जैसे बाकी के फील्ड्स में होते हैं। तो ये चीजें कुछ हैं जो की जा सकती हैं। बिल्कुल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर सारिका हमारे साथ में जुड़ी हुई है गुरुग्राम से। डॉक्टर सारिका आप सुन पा रही है मुझे? जी बिल्कुल सुन पा रही हूँ। मेरे को दो तीन इश्यूज रेज करने थे। एक वुमेन सेंट्रिक बजट। एक मेरा सवाल है मेरी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि दोहरी भूमिका में हमें, किसान परिवार से मैं हूं और किसान परिवार से मैं अपने हॉस्पिटल्स या ड्यूटी के साथ साथ अपनी खेती को भी मैं देखती हूं। यहां एक बात आती है कि खेती को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर किसान आंदोलन मुल्क में चल रहा है, तो आपको लगता है कि खेती पे कुछ सरकार फोकस करेगी? कहा तो यही जाता है कि ऑर्गेनिक खेती को आप आगे बढ़ाइए, अन्नदाता किसान, कर्ज मुक्ति, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन इस बार कुछ महिलाओं के लिए भी हो सकता है कि किसान का अपने आप में एक सफिशियंट वर्ड है कि किसान में सब कुछ समावेश है, चाहे वो महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ऐसा कुछ चाहते हैं कि ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ऐसी पॉलिसीज बने, अगर कोई वुमेन फार्मर अगर आगे आना चाहती है तो उसको इस तरह से राहत दी जा सके, कुछ ऐसा है? देखिए आपने बहुत सारी पॉलिटिकल बातें पूछ ली हैं, अब मैं इसमें कितना पॉलिटिकल डिबेट कर सकती हूँ मुझे आइडिया नहीं है। देखिए फार्म लॉज पे पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और आपको पता है कि 60 डेज से सिंगू बॉर्डर पे और टिकरी बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ संयुक्त किसान मोर्चा के तहत गुड़गांव में भी 22-24 दिन से बैठे हुए हैं, रोज वहां बैठते हैं। तो ये तो वैसे भी बहुत ही गर्म मामला है। किसान यूनियन जो है, 40 किसान यूनियन डायरेक्टली लगातार बात कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से फार्म लॉज के बजट पे अभी हम बात ना करें तो बेटर रहेगा। मैं फोकस करना चाहूंगी विमेन एंड द बजट, जो आपने मेरे को टारगेट दिया था, उसके लिए मेरे को दो तीन चीजें बोलनी है। एक, कोई भी देश इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं बन सकता जब तक उनकी विमेन पॉपुलेशन काम नहीं कर रही है। आप देखेंगे इंडिया में मोर देन 50% ऑफ द वुमेन आर नॉट वर्किंग, दे आर हाउस वाइफ। सो देर जो एफर्ट वो करती है घर पे उसको मिनिमाइज किया जाता है, उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होती और फैमिली में रिस्पेक्ट भी कम होती है। तो गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा महिलाएं, एक ऐसा स्केड्यूल होना चाहिए कि जैसे बच्चों के लिए लेडीज कम टाइम काम करना चाहिए, तो देर शुड बी एन ऑप्शन जैसे फॉरेन कंट्रीज में होता है पार्ट टाइम वर्क का, 4 आवर्स अ डे, ऐसी ऑप्शन होनी चाहिए। लेकिन इंडिया में बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। आपने अक्सर देखा है 30 साल की उम्र के बाद बहुत लेडीज अच्छे अच्छे करियर पॉइंट पे भी जॉब छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी इज ऑल्सो सफरिंग। वो सिर्फ औरत और उसका परिवार नहीं सफर करता, पूरी इकोनॉमी सफर कर रही है, क्योंकि पढ़ी लिखी पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियां, इवन डॉक्टर घर बैठ जाती हैं बिकॉज एक पार्ट टाइम काम का ऑप्शन नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी कि पिंक टेस्ट जो सैनिटरी चीजें हैं, सैनिटरी डॉक्टर सारिका मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करें क्योंकि मुझे तीन गेस्ट जोड़ने, समय बहुत कम है। जी सैनिटरी नैपकिन पे टैक्स जो है, इट इज नॉट अ लग्जरी गुड, इट इज एन एसेंशियल आइटम, वो 18% और 12% की कैटेगरी से हटा के 5% में किया जाए या उसमें से जीएसटी मुक्त किया जाए, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट इज अ लग्जरी, एवरी वुमन नीड्स इट फॉर 30 इयर्स। आई लीव दिस, अगर बाद में टाइम होगा तो बाकी बात करेंगे। जी बिल्कुल, काफी मुद्दे ऐसे हैं जिसपे आपसे चर्चा हो सकती है। मैं रूमा देवी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रूमा जी आप सुन पा रही हैं? जी चलिए मैं झारखंड का रुख करूंगा, दीप्ति जी के पास जाना चाहूंगा मैं। दीप्ति जी आप सुन पा रही हैं? जी मैं सुन पा रही हूँ। जी मैं शॉर्ट में चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, तो हम उम्मीदों के बजट पे बात कर रहे हैं कि महिलाओं से जुड़ी ये आवश्यकताएं और हम महसूस करते हैं कि चाहे वो रसोई हो चाहे बच्चों की परवरिश हो। जी तो मेरा तो यही मानना है कि महिला को की सशक्तिकरण तो सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियली किसी को सशक्त कर दीजिए तो उसको किसी के आगे झुकने की और रुकने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले महिलाओं के जो पर्स हैं उसको सरकार कोई एक ऐसा स्कीम जरूर लाए, अगर वो जॉब नहीं करती और
पढ़ी लिखी भी नहीं है लेकिन प्रताड़ित है, किसी भी रीजन से प्रताड़ित है, माँ है और उसके खर्चे हैं, तो वो किसी ऐसे काम में ना उलझ जाए। कई महिलाओं को प्रोस्टिट्यूशन में घुस जाना पड़ता है ड्यू टू दिस फाइनेंशियल क्राइसिस। तो मेरा ये मानना है कि सरकार को सोशल, जो हमारे यहाँ स्टिग्मा है या सोशल एक इक्वालिटी की बात करें, तो उन सबको एक एक अमाउंट मुहैया कराए जिससे कि उनको किसी भी तरीके से प्रताड़ित ना होना पड़े, मेरा ये मानना है। बस फिलहाल तो अभी यही, फिर कभी और बहुत सारी बातें होंगी। जी बिल्कुल, तो चले मैं चेन्नई का रुख करना चाहूंगा, बरखा जी के पास जाना चाहूंगा। स्टार्टअप्स में महिला वर्ग को कुछ इस तरह की उम्मीदें हैं? बरखा जी आप खुद भी एक मॉडल भी हैं और इस तरह का काम भी करते हैं कि सोशल सेक्टर में भी, तो किस तरह की उम्मीद करें हम? उम्मीद तो सर बहुत हम करके बैठे हैं, लेकिन सरकार जितना बोलती है उतना कुछ भी मिलता नहीं है। जैसे कि सब बातें करें, यहाँ पे कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। ये लाइक वो अनाउंसमेंट करते हैं, मीडिया में आ जाता है, बहुत सारे न्यूज, ये वो सब कुछ होता है सर, लेकिन जो पैसा जो वो बोलते कि ये रकम हम खर्च करेंगे इनके लिए, विमेंस के लिए, वो विमेंस तक पहुंचता ही नहीं है। पहले मीडिया में खर्चा हो जाता है, बाकी वो इधर उधर जो ऐड करते हैं उसमें खर्च हो जाता है। तो सरकार ये देखे कि वो मीडिया में सिर्फ अपना नाम ऊपर रखने के लिए बातें कर देते हैं लेकिन उनपे काम नहीं करते। अगर हमें काम दिया जाएगा तो अवश्य हम वो काम पूरा करेंगे। जी, जी, जी। बरखा जी समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, मेरा एक आखिरी सवाल मीनल से है। मीनल आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ जी जी, मैं बहुत शॉर्ट में चाहूंगा कि महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए कुछ सरकार को एटलीस्ट ये तो करना ही चाहिए, हम वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे हैं। जी मीका आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रिपीट करेंगे? जी मीनल, मेरा कहना यह है कि ऐसा कोई इश्यू है जिसपे सरकार एटलीस्ट अब तो राहत दे, जिसका वर्षों से इंतजार हो? जी, जैसा कि मैं बोल रही थी कि डिजिटल रेवोल्यूशन आया है, तो इस साल में बजट में ये मांगना चाहूंगी कि जो बच्चियां, जो गांव में बच्चियां, जिन लोगों को एजुकेशन के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता था, वहां पे ये डिजिटल रेवोल्यूशन का अब हम उपयोग करें और वहां पे उन लोगों को, चाहे वो अपने विलेज से, एक विलेज से दूसरे विलेज ना जा पाए, बट उनको जो एजुकेशन है, उनकी जो पढ़ाई है, उनके लिए कुछ टैबलेट्स प्रोवाइड करी जाए या उनको कंप्यूटर प्रोवाइड करा जाए, कुछ करा जाए जिससे वो पढ़े लिखे, आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। जी मैं क्षमा चाहूंगा मीनल, बहुत सारी चर्चा और की जा सकती है और आप सबने इतना वक्त दिया है जन टीवी के दर्शकों को, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीदों के बजट में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।